जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है लूका की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसका 7वां वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। तब उन्होंने ये कहकर उससे प्रश्न किया, हे गुरु, ये बातें कब होंगी और जब ये बातें होने को हों तो क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, सावधान रहो, कहीं तुम भरमाए ना जाओ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दोस्तों, हम लोग चिन्हों की चाह में जब परमेश्वर को देखते हैं, जब यीशु मसीह को देखते हैं, तो हम उसका प्यार को नहीं समझ सकते। बाइबल बताती है कि वो चिन्ह परमेश्वर की ओर से क्यों आए, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। लेकिन वो चिन्ह ही सब कुछ नहीं है, वो चिन्ह ही हमें जीवन नहीं देते हैं। हमें जीवन देती है उसकी उपस्थिति, हमें जीवन देता है उसका ज्ञान, हमें उसकी योजनाओं के द्वारा शक्ति मिलती है, हमें उसके प्यार के द्वारा पता लगता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। दोस्तों, कलीसिया में जब भाई बहन आते हैं और वो लोग चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देखेंगे कैसे अंधे देखते हैं, कैसे बहरे सुनते हैं, कैसे मुर्दे जिंदा होते हैं। हालेलुया। लेकिन वो भाई बहन जो आते हैं चिन्हों के द्वारा, चिन्हों के लिए आते हैं, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, वो परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते। और जब आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाते। और जैसे ही आपके शारीरिक चीजें, जैसे ही आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, आप भी दूर हो जाते हैं। बाइबल हमें क्यों दी गई है? बाइबल हमें क्यों दी गई है? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं तेरे जीवन में क्यों आना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जैसे हमें चुना, हमने पापों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया, और जैसे परमेश्वर ने हमें चुना, हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमें नया मन दिया, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाला, यीशु मसीह का मन हमारे अंदर दे दिया और उसके ऊपर अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़ी ली, ताकि हम उसे समझ सके, ताकि हम उसे जान सकें, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझते हुए उसके करीब जाएं। पत्रस को परमेश्वर ने चुना, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, लेकिन यीशु मसीह के चेले जिन्होंने यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, अंधों को आंखें देते हुए देखा, लेकिन फिर भी जो उसके चेले थे समझ नहीं पाए। वो यीशु मसीह को गुरु नहीं समझते थे, वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं समझते थे। इसलिए मत्ती 16:22 में पत्रस यीशु मसीह को झिड़कने लगा। अगर आप वचन पढ़ेंगे 22वां, तो उसमें लिखा गया है कि पत्रस यीशु मसीह को झिड़कते हुए उसको अलग ले गया। कोई गुरु को झिड़कता है? कोई परमेश्वर को झिड़कता है? नहीं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसने जाना ही नहीं, वो तो चिन्ह देख रहा था, उसने उसके सामर्थ्य को, उसकी योजना को समझा ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहनों, हमें क्रूस को उसकी योजना के अनुसार लेना है अपने जीवन में। हमें यीशु मसीह के मरने को और यीशु मसीह के जिंदा होने को परमेश्वर की योजना के रूप में लेना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की योजना को समझेंगे, जब हम जानेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्यों है, क्यों उसने हमें संसार से अलग किया है, क्यों वो चाहता है कि हम नए मन के अनुसार उसे जाने, उस दिन चाहे सताव आए, चाहे कोई भी हमारा करीबी हमसे दूर हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम उसकी योजनाओं को जानते हैं, हम उसके प्यार को जानते हैं, हम उसकी उपस्थिति जो हमारे अंदर है उसकी, उसको महसूस करते हैं। सोचिए, हन्ना की कोख क्यों बंद की थी परमेश्वर ने? ताकि परमेश्वर चाहता था कि हन्ना पूरे दिल से उस कोख को, उस बीज को अपने अंदर ले जो शमूएल के रूप में परमेश्वर डालना चाहता था। यहोशू के बाद कोई नबी नहीं था परमेश्वर के पास, कोई नबी नहीं था। मूसा के बाद यहोशू और कोई नबी नहीं था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि कोई नबी मेरी आवाज सुनने वाला, मेरे दिल की बात जानने वाला, मुझे समझने वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर हो, जिसके द्वारा मैं अपने राज्य को बढ़ाऊं। इसीलिए हन्ना की कोख बंद हुई, ताकि हन्ना पूरी तरीके से परमेश्वर के संग वाचा बांधती हुई उसके समक्ष आए। और हुआ यही, हन्ना ने वाचा बांधी और उसे कहा कि तू अगर मेरी को खोलेगा तो मैं अपना पुत्र तुझे दूंगी। आप सोचिए कि जैसे शमूएल पैदा हुआ, उसने कोई जन्मदिन नहीं बनाया, उसने कोई मिठाइयां नहीं बांटी, उसने कोई उत्सव नहीं मनाया, लेकिन वो दूध पिलाते पिलाते शमूएल को परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बता रही थी, प्रभु के बारे में बता रही थी, अपनी वाचा के बारे में बता रही थी, और
दोस्तों जब हम बाइबल पढ़ेंगे हम जानेंगे पहले शमूएल में कि जब 3 साल का बच्चा था शमूएल, 3 साल का, जब हन्ना और एलकाना उसे मंदिर में लेके गए तो शमूएल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी मां को अपने पिता को पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की योजनाएं थी, उसके दिल में परमेश्वर का प्यार था, वो परमेश्वर को पिता मानता था, वो परमेश्वर को माता मानता था और परमेश्वर के लिए समर्पित था। इसलिए बाइबल कहती है कि जो शमूएल बोलता था वही होता था। आज यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्यों नया बनाया है, हमारे मन को नया किया है, हमारी आत्मा को जिंदा किया है, हमें पूरी तरीके से नया क्यों किया है हमारे अंदरूनी मनुष्य के द्वारा, ताकि हम इस संसार को ना जाने, इस संसार के ना हो, परमेश्वर के हो जाए, पूरी तरीके से परमेश्वर के हो। आप सोचिए, इसीलिए मत्ती 17 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को रूपांतरण दिखाया, अपना रूप दिखाया कि मैं कौन हूं, परमेश्वर का रूप उसमें आया। लेकिन कितने चेलों को? 3 चेलों को, पतरस, यूहन्ना, याकूब। इसीलिए थॉमा नहीं समझ सका, थॉमा नहीं जान पाया, थॉमा उसी चिन्ह के रूप में था, थॉमा उसी चिन्ह की तलाश में था। इसलिए जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, थॉमा ने पूछा, कहां है, कहां है उसके चिन्ह, मैं यीशु मसीह पर कब विश्वास करूंगा? जब मैं उसके हाथों में अपनी उंगली डालूंगा, जब मैं उसकी पसली में अपने हाथ डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो उस चिन्हों के रूप में, उसे यीशु मसीह के चिन्हों के रूप में आता था, उसने परमेश्वर नहीं जाना था। लेकिन जैसे यीशु मसीह आए और जैसे यीशु मसीह ने अपने उस वाचा के चिन्हों को दिखाया, तब वही पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि यीशु मसीह तो प्रभु है, यीशु मसीह तो परमेश्वर है। दोस्तों, हमें परमेश्वर को योजनाओं के रूप में, उसकी योजनाओं के, उसके प्यार के, उसके त्याग के, उसके मन की इच्छा के बारे में, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आपको यूहन्ना 4:34 कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा पूरी करना है, क्योंकि वो जान गया था उसकी इच्छा क्या है। और हमारा भोजन भी यही होना चाहिए, अपने पिता की इच्छा पूरी करना। इसलिए वो कहता है सावधान, भरमाए जाओगे अगर हम चिन्हों की तलाश में रहेंगे, अगर हम चिन्हों को ही देखते रहेंगे, अगर हम चिन्हों को ही महत्व देंगे तो हम भरमाए जाएंगे। नहीं, हमारे लिए एक ही चिन्ह काफी है और वो है क्रूस, जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिया, संसार के सारे पापों को ले लिया और मौत से हमें छुटकारा दिया, शैतान से हमें छुटकारा दिया और अनंत काल का जीवन दिया। यही सत्य है, यही जीवन है और यही ज्योति है। आइए हम विश्वास करें उसके पवित्र सामर्थ्य नाम पर, हम विश्वास करें उसके होने पर और उसकी योजनाओं को नतमस्तक करें और उसकी योजनाओं को दुनिया में फैलाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति में सुख है, तेरी उपस्थिति में जीवन है परमेश्वर। तेरी योजनाएं हम कभी ना भूलें और तेरी योजनाएं हमेशा हमारे मन में बस जाए, बस जाए, बस जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।